नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा होना बड़ी आम बात है मित्रों। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई मित्र, कोई साथी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ टकरार भी होती है, मनमुटाव हो जाते हैं। एक व्यक्ति की बात दूसरा नहीं समझता या कोई किसी गलत संगत में चला जाता है, उस वजह से उनके बीच लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं प्यार की कमी हो जाती है या फिर कहीं कोई किसी की बात नहीं समझता। वजह कुछ भी हो, कारण कुछ भी रहा हो, दो व्यक्ति अगर आपस में प्रेम करते हैं और उनके बीच कुछ भी ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये सरल सा उपाय हम मित्रों आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आप कर लें। वो इंसान जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपसे बात नहीं करता, आपसे जिसने मुंह मोड़ लिया है, वो वापस आएगा आपके पास। मित्रों, एक ऐसा उपाय है जो सामने वाले इंसान को आपके लिए बेचैन कर देता है, तड़पा देता है। वो इंसान जो भी आपसे दूर जा रहा है, वो खुद आएगा आपके पास, अपने सभी गिले शिकवे, मनमुटाव दूर करेगा और आपके प्रेम में बंध जाएगा हमेशा के लिए। उपाय को पूरे विश्वास, पूरे यकीन के साथ करें, बताए गए तरीके से करें। बड़ा सरल सा उपाय है, किसी विशेष सामग्री की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपने बड़े ध्यानपूर्वक से सुनना है, अंत तक सुने, आपको इस उपाय से बहुत लाभ होने वाला है। मित्रों, कितनी ही पुरानी कोई बात बिगड़ गई हो, कहीं तक भी बात पहुँच गई हो, ये उपाय उसको सुधार देगा। आपने क्या करना है, उपाय को आप बुधवार के दिन नहीं करेंगे, अन्य किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन आपने ये उपाय नहीं करना है। उपाय करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए और एक स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ा का अर्थ है किसी गिलास में ले लें, कटोरी में ले लें, बहुत अधिक नहीं, 3-4 चम्मच के अनुमान। आप बैठ गए, आपने क्या करना है, एक जगह पर कोई भी आसन कपड़ा बिछा लेना है। उपाय को आपको किसी भी समय कर लेना है, आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, जब आपके पास समय है उचित आप इस उपाय को कर लें, किसी प्रकार की कोई बाध्यता इसमें नहीं है। बस उपाय शुरू करने से पहले अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, कहने का अर्थ स्वच्छता की हालत में करें, हाथ मुंह पैर अच्छे से अवश्य धो लें। आपने जो पानी लिया है, उस पानी में से आपने कुछ बूंदें अपने उल्टे हाथ की हथेली पर रख लेनी है, कहने का अर्थ आपने हाथ को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, आपने मोड़ना नहीं है हाथ, बिल्कुल जैसे वीडियो में दिखाया गया है, हथेली उस प्रकार से रखेंगे और सीधे हाथ से अंगूठे समेत सभी उंगलियां पानी में हल्की सी डुबो दें और एक बार जितना पानी टपक सके आपकी उंगलियों से आपके हथेली पर बस गिरा दें, 2-4 बूंद गिरेंगी बस। अब आपने क्या करना है, सीधे हाथ पर जो पानी उसे सिर पर पोंछ लें, आपके बालों पर लगा लें, सर पर लगा लें और उसके बाद आँखें बंद करके उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं। उसे आपने 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ठीक प्रकार से सोच लेना है। जब वो आपके मन में ठीक प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाए, तब आपने इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण कर लेना है। ओम हे अनंग अमुक कुरे वश्य। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेंगे, फिर अपना नाम लेंगे। जो नाम लेंगे पहला नाम, पुकारा जाने वाला नाम ही लेना है, अपना भी आपने मुख्य नाम ही लेना है। ये मंत्र आपने 3 बार बोलना है, उसके बाद आप आंखें खोलेंगे और जो पानी आपने हथेली में लिया, कुछ बूंदें हैं, उन बूंदों को भी आप अपने सर पर घुमा देंगे, पोंछ लेंगे बस। इसके बाद आप उस स्थान से खड़े हो जाएं, जो पात्र आपके सामने है उस पानी को किसी साफ स्थान पर आप गिरा दें। उसके बाद आप फिर एक बार अपने हाथ मुंह पर अच्छे से धो लें। ये उपाय मित्रों यहाँ आपने किया, वहाँ सामने वाले इंसान पर 15 से 20 मिनट में ही इसका असर, इसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा और वह व्यक्ति आपके लिए बेचैन होने लगेगा, तड़पने लगेगा। मित्रों, आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि उपाय पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
अब ध्यान गया, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।